सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू BMW R18। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे इसके फीचर स्पेक्स आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग काफ़ी समय से इसका वॉक अराउंड लाने के लिए बोल रहे थे, तो जैसे ही अवेलेबल हुई है आपको इसका वॉक अराउंड इधर देखने को मिल रहा है। ये एक क्रूज़र ऑफरिंग है BMW की तरफ से, जो लोग भी क्रूज़र लवर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो भी इस रेंज के बायर हैं। प्राइजेज आपको सारे साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, सारे स्पेक्स फीचर्स जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं पास में, इसका जो पूरा फ्रंटल व्यू है वो आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ, जिधर आपको LEDs का यूसेज देखने को मिलेगा। ये अपने आप जो हेडलैम्प्स हैं वो आप देख रहे थे, अब इधर आप देखते हैं तो आपकी जो बॉर्डरिंग है वो आपको पूरी ये क्रोम पे प्रोवाइड करी गई है। राउंडेड हेडलैम्प्स हैं, ग्लॉसी पेंट जो आप पूरा इधर यूज़ करा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे पता है कि आपकी नज़र कहाँ पे जा रही होगी, इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, तो उसके तरफ भी चलेंगे। पहले पूरा आपको मैं फ्रंटल व्यू चेक करा देता हूँ। इधर अपनी आप BMW की ब्रांडिंग है, उसका आप केवल पोजिशनिंग देखो कितना अलग सा प्रोवाइड करा गया है। व्हील एरिया की बात कर लेते हैं, तो इधर आप देखते हैं आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपके डिस्क ब्रेक ये सब चीज़ें इस रेंज की बाइक के लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा बाइक आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ, पूरा व्यू आपको देने वाला हूँ। ये आप देख लीजिए पूरा। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको मैं चेक कराऊंगा, साथ में जो इसकी की है वो भी आपको दिखा देता हूँ। रिमोट कीज़ आपको मिलती हैं इस शानदार ऑफरिंग में BMW की तरफ से, ये आप देख सकते हो आपको रिमोट कीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, बस आप बाइक के पास जाके इसको ऑन कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप देख रहे हैं इसका साइड प्रोफाइल, तो जगह काफ़ी अच्छी सी अवेलेबल है, तो आपको पूरा मैं साइड प्रीव्यू इधर दे देता हूँ, साइड प्रोफाइल आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। चलते हैं पास में, और इसका जो इंजन कंपार्टमेंट है, जो शायद आप वीडियो के शुरुआत से इंतज़ार कर रहे होगे कि मैं आपको क्लोज व्यू दूँ, तो इसको आप बस केवल देखते रह जाओगे। मेरे हिसाब से कुछ अलग ही बात है इस चीज़ की। 1800cc की जो ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हैं, हर चीज़ आपको एक्स्ट्रा लार्ज इस बाइक में देखने को मिलेगा, क्रोम का शानदार यूसेज आपको देखने को मिलेगा। चेकआउट करते जाइए पूरा बाइक, मैं पीछे की तरफ मूव करते जाता हूँ। इधर पहले आपको दिखा देता हूँ ब्रांडिंग्स भी, BMW की ब्रांडिंग आप फ्यूल टैंक पे भी देख सकते हो। पीछे की तरफ आते हैं तो R18 फर्स्ट एडिशन का पूरा जो बैजिंग है, ब्रांडिंग है, वो आपको अवेलेबल है। और आपका जो एग्जॉस्ट है, केवल इसका डिज़ाइन देखो, ये भी आप किसी भी बाइक से इसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई डिज़ाइन आपने किसी और बाइक में देखा है तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा। हर चीज़ आपको अलग मिलेगी, अगर आप कुछ इस सेगमेंट के बायर हो और आप कुछ अलग दिखना चाहते हो तो ये आपके लिए बनाई गई है। इसके बाद इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखा देते हैं। मैंने हैजार्ड ऑन कर दिया था तो आपको आपके इंडिकेटर्स का भी पूरा व्यू मिल रहा है, और जो बैक प्रोफाइल है वो भी आप चेकआउट कर रहे हो। इधर भी आपको BMW की ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हैं। अदर साइड आ गए हैं तो इसमें भी मैं पहले आगे चलना चाहूँगा। इधर भी पूरी अपनी जो ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हो, 1800cc, जैसे मैंने आपको उस साइड दिखाई थी। पूरा अपना इंजन पूरा व्यू आप ले पाओगे, 1800cc है ये, फिर से एक बार सोचिएगा इसके बारे में कितना पावर यहाँ पे जनरेट होने वाला है, जो आपको साइज में शॉर्ट्स में देखने को मिल गया होगा। इधर भी अपना आप जो R18 का ब्रांडिंग है वो आप चेकआउट कर रहे हो, और आपका जो डबल एग्जॉस्ट सेटअप है वो आपको देखने को मिल रहा है, ये आप अपना जो डुअल एग्जॉस्ट है वो आप देख रहे हो। अब दोस्तों साइड फ्रंट और बैक की बात हो गई, इसका जो अपर पार्ट है वो आपको चेक करा देते हैं। इधर इसका जो सीटिंग एरिया है वो आप देख लो, इधर भी आपको ब्रांडिंग मिलेगी, तो काफ़ी सारी ब्रांडिंग करके रखी हुई है बाइक के ऊपर। सीटिंग एरिया आप देख रहे हैं, पूरी स्टिच फिनिश प्रोवाइड करी गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले मैं अपर व्यू आपको दे देता हूँ, पूरा मैं अपर पार्ट आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से दिखा देता हूँ एक एनहांस्ड फील के लिए। चलते हैं पास में, इधर आप देखते हो क्रोम वर्क पूरा, बहुत सारा क्रोम लेड आपकी पूरी क्रोम पे दी गई है। इधर भी आपकी BMW की ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि की मेरे पास में, ये आप देख सकते हैं, की मैंने आपको अभी चेकआउट कराई थी। इधर मैं पावर बटन प्रेस कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं आपका जो बाइक है वो ऑन हो गया है, ये आप देख सकते हो। इधर आपका जो DIS है वो आपको प्रोवाइड करा गया, नॉर्मल सिग्नलिंग हो गई। इसके बाद इसके हेडलैम्प्स भी फिर से ऑन हो गए होंगे, तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, जो LED का यूसेज है वो आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। बाकी हैजार्ड को अब बंद कर देते हैं। इसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये भी पूरा आपको राउंडेड शेप में प्रोवाइड करा गया है, वेल डिज़ाइंड। और पूरा आपका जो हैंडल बार है, ये भी पूरा क्रोम पे मिलता है आपको। इधर आपके सेवरल जो कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए, जैसे मेन्यू है, मोड है, टर्न इंडिकेटर है, और इधर आपका आई बटन है, आपका हैजार्ड लाइट है, इधर आपका हॉर्न है,
और इधर आपका जो पावर बटन है जिससे मैंने ऑन किया है बाइक को, और आपका जो इंजन स्टार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपको ये बाइक कैसा लगा, ओवरऑल कैसा फील आया आपको इसको देखकर। मैंने मेरे हिसाब से पूरा वॉकराउंड आपको अच्छे से दे दिया है। जो लोग भी इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं और अगर वो इस वीडियो पे आ गए दोबारा से इसको देखने के लिए, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इसके अलावा आपको अगर किसी और कंपनी की कोई और बाइक भी देखनी है तो प्ले स्टोर ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत सारे लेटेस्ट लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट आप ऐसे बना के रखो, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।